तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं पंचायत सहायक के बारे में, एक बहुत बड़ी खबर को लेके। दोस्तों, क्या सामान्य सीट पर केवल कोविड का लाभ सामान्य को ही दिया जाएगा? दोस्तों, क्या स्वास्थ्य सर्वेक्षण में पंचायत सहायकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है? दोस्तों, क्या आपका मानदेय आपके खाते में नहीं आया है तो क्या करें? किन किन लोगों का मानदेय आ चुका है और कब आया है, या जिन लोगों का नहीं आया कब तक आएगा? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं आप एक बेहतरीन खबर बताऊंगा, जो खबर है मुफ्त लैपटॉप स्मार्टफोन बांटने को लेकर एक बेहतरीन अपडेट आया है। सबसे पहले किसका नंबर आएगा लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने के लिए, इस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस दोस्तों, निवेदन करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में क्या मैं अपने सभी वीडियो में ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, 100% सही न्यूज़ बताता हूँ। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग नोटिस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको नोटिस दिख रहा है, ये प्रेषक है मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में जिलाधिकारी चंदौली, पंचायती राज अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 23 दिसंबर 2021 का सूचना आया था, लेकिन जब लोगों को समस्या हो रही तब इस सूचना को ढूंढ रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सूचना है सामान्य सीट पर केवल कोविड का लाभ सामान्य को ही दिए जाने के संबंध में, विषय ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के चयन के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिनांक 13 सितंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी अनारक्षित श्रेणी वाली ग्राम पंचायतों में अन्य वर्गों के कोविड 19 के वारिसानों को लाभ दिया जाएगा अथवा नहीं के संबंध में मार्ग निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। नंबर 2, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड 19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के ही परिवार को दिया जाएगा। अतः उपरोक्त अनुसार अवगत होते हुए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। लेकिन दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है, अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई सामान्य वर्ग का नहीं है, किसी अदर वर्ग का कोई भी व्यक्ति का देहावसान हो गया है कोविड से, तो उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया हूँ। आगे देखते हैं हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा जिला प्रथम आया है। दोस्तों, प्रदेश में हासिल किया गया स्थान, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फीडबैक देने की अपील कही जा रही। कानपुर देहात की खबर आ रही, सिटीजन फीडबैक रिपोर्ट में इस जानकारी का पता लगा है। 5 बिंदुओं पर लिया जाएगा फीडबैक, जो पंचायत सहायक ही गाँव गाँव घर घर जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2021 के बारे में जो भी डेटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो है दोस्तों वो मानदेय आने को लेकर है। ज़्यादातर लोग इस बाबत परेशान हैं कि सर, मेरा मानदेय नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये सूचना जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये कार्यालय सहायक विकास अधिकारी पंचायती रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र की है, 9 नवंबर 2021 का। समस्त पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर विकासखंड रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र, आप लोगों की मानदेय का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाना है। अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपना सैलरी अकाउंट HDFC बैंक शाखा रॉबर्ट्सगंज में खुलवाकर अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में पासबुक की छाया प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त खाते को ग्राम पंचायत में मैप किया जा सके एवं मानदेय का भुगतान समय से किया जा सके। कृपा शंकर शुक्ल, सहायक विकास अधिकारी पंचायत रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र। दोस्तों, ये सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी सोनभद्र, शाखा प्रबंधक HDFC बैंक रॉबर्ट्सगंज, संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को इस निर्देश के साथ की उनके अधीनस्थ पंचायत सहायक को उक्त के सूचित कर दें। दोस्तों, बात ये आती है कि जो भी हमारे भाई बहन पंचायत सहायक बन चुके हैं, वो किसी और बैंक का खाता लगाए हैं, क्या उसमें सैलरी नहीं आएगा? दोस्तों, इस सूचना के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो भी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में पंचायती राज विभाग का निर्देश प्राप्त हुआ, HDFC बैंक रॉबर्ट्सगंज से हुआ है, तो वहां पर आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। एक तरीके का, जब भी आपकी मान लीजिए किसी की जॉब लग रही, तो कंपनी या कोई भी संस्था अपने हिसाब से बैंक अकाउंट में खाता खुलवाती है, क्योंकि मान लीजिए अगर 100 कर्मचारी है, 100 कर्मचारी का अलग अलग बैंकों में है, तो उनको काम ज़्यादा पड़ जाता है और ट्रांजेक्शन्स यानी जो भी वेतन ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें समय लगता है, क्योंकि ये PFMS से होता है। तो इन लोगों के लिए सुविधाजनक होता है कि एक ही बैंक में सारी ग्राम पंचायत सहायकों का खाता हो, तो ज़्यादा आसानी से सैलरी ट्रांसफ़र
कर दी जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं मैंने क्लियर किया है। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट पढ़कर बखूबी जवाब देता हूं। बस एक निवेदन करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।